हेलो फ्रेंड्स, सुषमा क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस प्लांट के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसे कटिंग से ग्रो करना भी बहुत आसान है। ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो की है और इसकी कटिंग गर्मी में भी, अभी इस मौसम में भी इसकी कटिंग बहुत ईजी ग्रो हो जाती है और साथ ही इसे पानी में भी हम ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये और ये बहुत कम स्पेस लेता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कम जगह में हम ज़्यादा प्लांट अगर लगाना चाहें तो उसमें एक प्लांट ये भी है। इसकी कटिंग मैंने लगाई थी नॉर्मल सॉइल में, बिल्कुल सिंपल मिट्टी, और बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। तो इसकी कटिंग को मैं अभी रिपोर्ट कर रही हूँ। यह है ड्रेसिना। ड्रेसिना बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसकी पत्तियाँ भी बहुत प्यारी दिखती हैं। ड्रेसिना के तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, उसी में एक ये भी है। इसे युका भी बोलते हैं। इस प्लांट को मैं अभी इस पॉट में रिपोर्ट करूँगी। फ्रेंड्स, नीचे से मैंने सूखी पत्तियाँ, सूखे हुए फ्लावर्स ये सब डाल रखे हैं, ऊपर से मिट्टी, और मिट्टी के साथ ये काउडंग है, काउडंग कंपोस्ट, और साथ में थोड़ा रिवर सैंड, तीनों मिक्स करके इस प्लांट को लगाना है। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और बहुत इजी चलता है। इसे इंडोर हम कहीं पे भी रख सकते हैं, बहुत इजी चलता है। धूप इसको बहुत कम चाहिए। इसे अगर हम घर के अंदर भी रखते हैं और वीक में एक दो दिन के लिए धूप दिखाते हैं तब भी ये बहुत ही आसानी से चल जाता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। या देखिए, इसमें मैंने अभी इसको अब रिपोर्ट कर रही हूँ। ये नीचे मैंने क्यारियों में इसकी कटिंग लगा रखी थी और अभी निकाल करके फिर इसे मैं पॉट में लगा रही हूँ, बहुत ही कम केयर के साथ। हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है, इसकी देखभाल बस इतनी ही करनी होती है। फ्रेंड्स, इसे पानी भी चेक करके देना होता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसे नहीं होती। इसे पानी कम चाहिए, इसके मिट्टी ऊपर की लेयर सूख जाए तभी इसमें पानी देंगे। और इंडोर रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट्स है। और फर्टिलाइज़र इसे, फ्रेंड्स, कोई भी जो भी ड्रेसिना हो या और इंडोर प्लांट्स, फर्टिलाइज़र कम ही चाहिए होता है। साल में दो बार इसे हम देते हैं, बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र दे देते हैं, कोई भी कंपोस्ट, और उसके बाद बीच बीच में कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो और प्लांट में हम देते हैं तभी इसमें भी थोड़ा सा दे देते हैं, और ये प्लांट चलते रहता है। और साथ ही इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये प्लांट अभी छोटा है, इसकी हाइट 2.5 से 3 फीट तक जाती है फ्रेंड्स। और साथ ही इसके जब हाइट 2.5 फीट के लगभग हो जाए फिर नीचे से छोटे छोटे से प्लांट्स और पूरा भर जाता है पॉट, छोटे छोटे से इसके साइड से प्लांट्स निकलते रहते हैं और लगभग सारे प्लांट्स की साइज यही होती है। काफ़ी खूबसूरत लगता है जब पॉट पूरा भर जाता है। ड्रेसिना की ये वैरायटी भी बहुत खूबसूरत है और बहुत कम स्पेस के साथ ये हमारे गार्डन में बना रहता है, तो ऐसे प्लांट्स हमें रखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।